8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन देश के नए दौर को पहचान देने का आयोजन था। अवार्ड के दौरान पीएम मोदी ने युवाओं से बातचीत भी की। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मोदी ने कार्यक्रम में 23 लोगों को सम्मानित किया। इन 23 लोगों में सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता, बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदमन, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी निश्चय, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल आरजे रौनक, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल श्रद्धा, हेरिटेज फैशन आइकॉन जानवी सिंह, स्वच्छता एम्बेसडर मल्हार कलाम्बे, बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी गौरव चौधरी, फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर कामिया जानी, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्रियो हिक्स, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी, फेवरेट ग्रीन चैंपियन पंती पांडे, डिस्रप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अलाहबादिया, बेस्ट स्टोरी टेलर कीर्तिका गोविंदासामी, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य डबास, न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी और न्यू। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरीज में दिए गए हैं। इनके लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग राउंड के दौरान विनर्स का सिलेक्शन करने के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि जब समय बदलता है सब नए युग की शुरुआत होती है। जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना। आज भारत मंडपम में देश अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए जगह बनाई है और यही कारण है कि आप भारत मंडपम में हैं। यही वो जगह है जहां G20 का आयोजन किया गया था।